राजू श्रीवास्तव की फैमिली मेंबर यानी कि उनके भतीजे ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और क्या कुछ कहा है उनकी अपडेट को लेकर चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाल आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को लेकर कई सारी अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली लगातार इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि उनके भतीजे हैं यानी कि राजू श्रीवास्तव के भतीजे हैं कौशल, जिन्होंने ये अपील की है लोगों से कि इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि जब फैमिली के पास में सर का कॉल जो है वो पहुँच रहे हैं, मैसेजेस पहुँच रहे हैं, तो इनके रिप्लाई और इन्हें अटेंड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। प्लस अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि उनकी सेहत एकदम धीरे धीरे जो है वो रिकवर कर रही है। डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि ये पॉजिटिव साइन है और बहुत जल्द राजू श्रीवास्तव जो है वो अपनी आँख खोल सकते हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि उनके को कॉमेडियन यानी कि सुनील पाल, उनका भी यही कहना है कि अफवाहों पर ना तो ध्यान दें और ना ही अफवाहों को फैलाएं। वो भी लगातार जो है कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि दिल्ली में है राजू श्रीवास्तव, मुंबई में नहीं है, लगातार उनकी सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट उनको हार्ट अटैक क्यों आया इसका कारण भी शेयर किया गया उनके भतीजे ने। उन्होंने कहा यहाँ पर कि उन्होंने एक ही दिन में 2 बार एक्सरसाइज की थी और ये एक्सरसाइज ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। गाइस, यहाँ पर हर कोई उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, आप भी कीजिए और जल्द से जल्द उनकी सेहत सही हो जाए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।